स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि रोड कैम्बर का जो स्लोप होता है, अगर वो ग्रेड में दे रखा है, जैसे ये 1:50 का दे रखा है, और इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर वो परसेंटेज में दे रखा है, यहाँ पर मैंने परसेंटेज का बताया था, अगर वो परसेंटेज में दे रखा है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर वो ग्रेड में दे रखा है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज मैं ग्रेड की बात बताऊँगा, अगर वो ग्रेड में दे रखा है तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमारा एक रोड है, ठीक है, और इस पे ऐसे इसने ड्राइंग बनती है, जो ड्राइंग में अक्सर रोड की ड्राइंग आती है तो उसमें ऐसे चीज़ें लिखी रहती हैं। रोड के अक्सर बिल्डिंग कोई भी चीज़ में आप देखेंगे तो लिखा रहेगा ऐसे 1:50 का, 1:50 का ऐसे लिखा रहेगा। ये अपने को स्लोप प्रोवाइड करने होते हैं, ऐसा कहीं 1 साइड लिखा रहता है, मान लीजिए कहीं ऐसे 1 साइड भी दिया हुआ, इसको बोथ साइड सेंटर बोलते हैं, दोनों साइड का मान लीजिए सेंटर से इधर 1 साइड स्लोप होता है, इधर भी लिख दिया एक एक 1:50 का स्लोप आपको प्रोवाइड करना है। तो कैसे करेंगे आप, ये चीज़ें में आनी चाहिए, इसका कैलकुलेशन अगर में आ रहा है तो हम इजीली कर सकते हैं कितना स्लोप। मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ बताऊँ, मान लीजिए ये अपना 6 मीटर का है, 6 मीटर की ऐसे लेंथ में है रोड, हमें सेंटर से ये सेंटर हो गई थी 3 मीटर से, हमें दोनों बाजू स्लोप आएगा 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, तो इसका हमें कैलकुलेशन करना, तो 1/50 ऐसे कर लिए, ठीक है। और जो U1 है तो इसको हम लोग 1000 कर दिए, 1000 mm में डिवाइड बाई 50, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5 यानी ये 20 mm आ गया, ठीक है। तो यानी 1 मीटर में 20 mm का स्लोप होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 मीटर मान लीजिए यहाँ से ये हमारा कुछ भी है, यहाँ एग्जांपल देखा है एक, मैं यहाँ से अगर हमें इसे 1 मीटर चल रहा है कहीं भी है, ठीक है, तो ये क्या होता है 20 mm डाउन जाएंगे। फिर अगला अगर 2 मीटर चले, मान लीजिए फिर ऐसे ही 2 मीटर आगे को गए यहाँ से, तो 1 मीटर हो गया ना, ये 1 मीटर यहाँ 1 मीटर, और ये टोटल लेंथ होगी अपनी 2 मीटर, तो ये भी क्या 20 mm डाउन जाएंगे, यानी ये 20 mm डाउन जाता जा रहा है। तो यानी हर 1 मीटर पे जहाँ भी 1 मीटर जाएंगे, जैसे ये ना यहाँ पे, तो अगर ये टोटल 6 मीटर की लेंथ है यहाँ से वहाँ तक, ये पूरी लेंथ अपनी 6 मीटर की है, तो इसमें कितना स्लोप होगा ये, यानी ये वाली अगर इसे हॉरिजेंटली ऐसे मिला दें अपन आगे को, तो ये वाली कितनी होगी, ये हमें आनी चाहिए। तो यानी 1 मीटर में अगर 20 mm है तो 6 मीटर में कितना होगा, यानी 20 × 6 यानी 120 mm, ये हुआ ना, यानी ये वाली जो लेंथ होगी अपना 120 mm होगा ये अपना, अगर ये टॉप पे जा रही है तो यहाँ पे होगी जो 120 का डिफरेंस होगा यहाँ, सॉरी हम, यानी ये भी 120 mm ही होगा, सॉरी लिख दिया मैंने, तो ये 120 होगा। ऐसे अपन कैलकुलेट, ये अपने कैलकुलेशन आना चाहिए, अगर 1 जैम अभी यहाँ पे लिखा हुआ है यानी ये 20 का हो तो भी ऐसे करेंगे, यानी 1 है तो इसको 1000 कर देंगे डिवाइड बाई 20, ये कट किया ये, यानी ये 50 mm, यानी हर मीटर में ये 50 mm जाएगा, यानी 1 मीटर इक्वल टू 50 mm, ऐसे 150 mm। अगर ये मान लीजिए 3 मीटर की भी बात करें, तो 3 मीटर है तो यहाँ पे अगर 3 मीटर हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये इंटू 3 कर देंगे, 3 मीटर इंटू 50 × 3 यानी 150 mm, यानी ये वाली होगी वो 150 mm डाउन जाएगी, ऐसे ये 150 mm आ जाएगी डाउन, ये अपने को कैलकुलेशन आना ही चाहिए। सपोज मान लीजिए एक और एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊँ आपको, तो मान लीजिए कोई ट्रेंगल है, ऐसा ट्रेंगल नहीं है, रोड का सेंटर टू पोर्शन हाफ, ये 3 मीटर है, ठीक है, और 1 मीटर में 20 mm डाउन है, जो हमने भी वीडियो में कैलकुलेट किया, ये देखिए ये यहाँ पे भी निकाला हमने, जो 1:50 का था तो 20 mm, यानी 1 मीटर में 20 mm, यानी 3 मीटर में कितना निकलेगा, ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो यानी 3 मीटर में निकालना है, तो 3 मीटर इक्वल टू
थ्री गुड़े दो 20 यानी 60 mm, इतना तो फिक्स है। ये वो लेंथ होगी वो 60 mm होगी यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब मैं मीटर मीटर पे निकालना, मान लीजिए ये 1 मीटर होगा, ये 2 मीटर, यानी यहाँ से वहाँ ये 1 मीटर, और ये अगर यहाँ से यहाँ माने तो ये 2 मीटर, और ये टोटल 3 मीटर है, और ये 1 1 मीटर ऐसे हो गए। तो ये यानी 1 मीटर ये चल दिया, यानी ये 20 mm हो गया। फिर अगला भी 1 मीटर और चले, तो ये प्लस ये हो गई, यानी ये 20 और ये 20, ये दोनों मिला के 40 mm हो गई। और इसमें भी ऐसे बात करें तो एक ये और एक ये, यानी ये 20, ये 20 और ये 20, इन टोटल 60 mm हो गई, यानी 60 mm का स्लोप हो गया। मान लीजिए अगर अपने रोड बनाते हैं अपन उस टाइम, तो अपने को लेवल चेक करना होता है, यानी लेवल कैम्बर का जो भी होता है। मान लीजिए ये अपना रोड है, अभी फिनिश लेवल पे हमने बना दिया, सब ग्रेड का है, इसको हमें स्लोप प्रोवाइड करना होगा। तो अपन कैसे चेक करते हैं ऑटो लेवल में, उसमें चेक करेंगे, अरे 1:50 का दे रखा है, तो यहाँ पे एक पार्ट स्टाफ से रीडिंग देख ले, मान लीजिए यहाँ की रीडिंग 50 mm 1200 आ गई स्टाफ में, तो ये जो अगर आपने को 1:50 का दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टाफ की रीडिंग आएगी 1160 mm, तभी ये 60 mm का डाउन जाएगा। तो ये अपना चेक करने का तरीका होता है, उस टाइम जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ऑटो लेवल से, तो ये चेक कर सकते हैं 50 mm और 60 mm जो भी आएगा, मतलब ये ऑटो लेवल से उसका डिफरेंस करके चेक करते हैं। फिर हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए कि ये अगर 1:50 का दे रखा है तो कैसे कैलकुलेट करके अपन पर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 1 मीटर का आपको पता चल गया तो ऑटोमेटिक आप 6 मीटर 10 मीटर 20 मीटर जो भी होगी लेंथ, रोड हो चाहे कोई भी चीज़ बन रहा हो, रोड में ही नहीं अक्सर हर चीज़ों में ये पानी, 1 मीटर को वाटर का काम होता है, जैसे कैनल वगैरह में भी ये चीज़ अक्सर आती है कि हमने को 1:200 का कहीं कहीं रोड में अक्सर ये मिल जाते हैं, हमें वाटर में बन जाता है जो परसेंटेज में स्लोप देते हैं। ऐसे हमें कैलकुलेशन आ गया तो समझिए ऑटोमेटिक हम लोग सब चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।